हेलो जी, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि भाई ऑनेस्ट स्किन केयर दिखा दो। तो चलो जी, आज आपके लिए वीडियो भी बन चुकी है। तो मेरा वीकली जो स्किन केयर होता है वो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चारकोल फेस मास्क। और चारकोल हम सभी को पता है मैग्नेट की तरह काम करता है, जो कि हमारी स्किन से सारे डर्ट पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से खींच देता है और हमारी स्किन को कर देता है प्लम और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक इवन लेयर स्प्रेड कर ली है अपने पूरे फेस पे। सिर्फ फेस ही नहीं, नेक को भी कवर करेंगे, क्योंकि नेक भी हमारी एकदम स्किन टोन से मैच होनी चाहिए। नेक और फेस का कलर कभी भी अलग नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी पूरी तरीके से। और फिर इसको रख देंगे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक आप अपने कुछ काम भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप अपने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मस्त एंजॉय कर रही थी अपने गाने, नए और पुराने गाने मैशअप वाले। बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ फेस वॉश होने के बाद कि आपको कितना अच्छा लगने वाला है। जैसे ही फेस वॉश होगा ना, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा मास्क लगाने से पहले। हर डिफरेंस आप सबके सामने लग रही है ना, स्किन एकदम सॉफ्ट एंड प्लम। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है विटामिन सी, ये ऑक्टेन का मॉइस्चराइज़र है जो कि मामा अर्थ का था, जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और जो मेरे स्किन में जो विटामिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लॉक कर देता है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, और लगभग 2 से 3 बार हफ्ते में ज़रूर ये मैं अपना रूटीन फॉलो करती ही करती हूँ। सो आई सजेस्ट कि आप भी अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और ये मानसून स्किन केयर है तो मैं मानसून में भी यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और बाकी के जो सीज़न होते हैं उसमें भी सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। प्रोडक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, बस आपको डेली बेसिस पे या कि आपके वीकली बेसिस पे आपको करना ही करना है। जैसे ही आपके 2 स्टेप पूरे होंगे ना, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लग जाएगा, जैसे कि मुझे दिख रहा है और आपको मेरी स्किन पे भी दिख रहा होगा। उसके बाद जो 3rd स्टेप है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है सनस्क्रीन का। हालांकि हम बाहर जाएं या नहीं जाएं, हमें सनस्क्रीन लगा के ही रखना है, अपने स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करके ही रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है लेकिन सन रेज या लाइट जो हमारे घर में होती है वो हमारे स्किन पे पड़ ही जाती है, और अगर वो पड़ गई ना एक बार तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो उससे बेटर है प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हमने सबने सुना ही होगा। तो बस वही काम करना है, सनस्क्रीन लगाना है और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है। और हाँ, ये था मेरा स्किन केयर, और अपना स्किन केयर आप ज़रूर कमेंट करके बता देना, और बिल्कुल भी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिन्हें स्किन केयर की नॉलेज नहीं है वो भी गेन कर लेंगे और अपना भी बता देंगे स्किन केयर। तो सबको ये शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।